हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे सो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और आईआईटी की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ की तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एडमिशंस एंड उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है आई इसका लिंक आपको डिस्क्रो में मिल जाएगा जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करेंगे देन स्क्रॉल करने के बाद आपको अनाउंसमेंट्स का सेक्शन दिखेगा उसमें लेटेस्ट अनाउंसमेंट है पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड सो पीएचडी एडमिशंस एडमिशन फॉर फर्स्ट सेम अकेडमिक ईयर 2022-2023, इस पर करेंगे क्लिक देन ओपन होगा डेडिकेटेड पोर्टल यस एंडर नोटिफिकेशन सेक्शन आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी मिल जाएगा सो so, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी सबसे पहले ये है फ्लायर एंड इसमें आपको फर्स्ट थिंग जो दिख रहा है वो है सारे जो पी एच डी कैटेगरीजों ने एक्सप्लेन किया गया है एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने कमेंट्स में भी पूछा है कि वॉट इज एक्सटर्नल पी एच डी आई थिंक सो यहाँ पर देखिए रेगुलर पी एच डी क्या होता है आप जिस भी इंस्टीट्यूट से रेगुलर पी एच डी कर रहे हैं आप वहाँ पर प्रॉपर रिसर्च करेंगे ठीक है सो बी अ पार्ट ऑफ द रिसर्च टीम एट आई आई टी रोपर इन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट एंड अर्न अ डॉक्टोरेट डिग्री राइट एंड ये सभी जो भी यूनिवर्सिटी है सपोज आई आई टी रोपड़ नहीं किसी और इंस्टीट्यूट का रेगुलर पी एच डी है तो so उस केस में वहाँ भी यही अप्लीकेबल होता है नाव डायरेक्ट पी एच डी क्या होता है सो so अभी आप बैचलर्स डिग्री में हैं आप अभी बी टेक कर, कर रहे हैं या फाइनल ईयर में हैं किसी भी बैचलर्स डिग्री के एंड डायरेक्टली चाहते हैं अपॉर्चुनिटी कि डॉक्ट्रेट आप कर पाएँ तो उस केस में येस आप डायरेक्ट पी एच डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं मेनली इंजीनियरिंग एंड साइंसिस के लिए ही ये अपॉरचुनिटी मिलती है ओके नेक्स्ट एक्सटर्नल पी एच डी सो are you a scientist in r&d lab or employed in a reputed industry an opportunity to follow your dreams while continuing at your ऑर्गेनाइजेशन सो इंटरनल एक्सटर्नल में डिफरेंस आपको नाम से ही पता चल रहा है जब आप इंटरनल की बात करते हैं सो किसी भी इंस्टीट्यूट में जो इंटरनल कैंडिडेट्स होते हैं स्कॉलर्स होते हैं वो इंटरनल हो गए बट एक्सटर्नल क्या होता है कि आप बाहर से कर रहे हैं ठीक है सो बेसिकली आप किसी आर एन डी लैब में हैं या कहीं और एम्प्लॉयड हैं आप चाहते हैं वहीं पर रिसर्च वर्क करना वहीं पर अपने सारे प्रोजेक्ट को या फिर वर्क को कम्प्लीट करना बट डिग्री आपको कहाँ की चाहिए ठीक है सो आप यहाँ पर एक्सटर्नल पी एच डी में एनरोल हो सकते हैं अगर आपका इंस्टीट्यूशन लिस्टेड है ठीक है सो आई टी रोपर को रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए आपके इंस्टीट्यूट को सो so, आप आई रोपर में अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल पीएचडी के लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है अंडर एक्सटर्नल पीएचडी तो आप रिसर्च वगैरह अपने लैब में करेंगे बट येस yes, आप पी में एनरोल होंगे इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में राइट right? एंड ये किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए सेम होता है एक्सटर्नल पी एच आप बहुत बार सुना होगा मैंने भी वीडियोज में बोला है सो एक्सटर्नल पी में आप होते हैं एनरोल एक इंस्टीट्यूट में बट आप जो अपना वर्क है वो सपोज आप पहले से किसी लैब में काम कर रहे हो ठीक है तो आप वहीं कंटिन्यू करेंगे वहीं रिसर्च वर्क करेंगे बट आप रजिस्टर होंगे इस so, पर्टिकुलर आप, right? आप, तो आप, आप अपना वर्क भी करेंगे आप वहां से सिर्फ लीव लेंगे पेड लीव भी मिलती है ठीक है सो आपको स्टिपेंड वगैरह पे आपका ऑर्गेनाइजेशन करेगा एम्प्लॉयर करेगा एंड लीव आपको मिलेगी आप रिसर्च वर्क करेंगे इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से सो so, इस केस में आपको एक तरह से बैलेंस बनाना होगा सो so, इसीलिए ये क्वेश्चन है दैट कैन यू बैलेंस योर लाइफ बिटवीन प्रोफेशनल वर्क एंड रिसर्च इफ़ येस देन येस यू कैन ऑप्ट फॉर पार्ट टाइम पी एच डी नाव पी एम आर एफ है सो यहाँ पे आई आई टीज़ आई आई एस सी आई सर्स दैन एन आई टीज़ आई आई एस टी या फिर जो सेंट्रली फंडेड ट्रिपल आई टीज़ हैं उन्हें पी एम आर एफ फंड मिलता है उन्हें फेलोशिप मिलती है फॉर परस्यूइंग रिसर्च सो आप ऑब्वियसली ये क्योंकि आई आई टी है सो यहाँ पर पी एम आर एफ पी एच डी फंड मिलता है सो so ये कुछ कैटेगरीज हो गई यानी स्पॉन्सर्ड भी आप कहते हैं सो so उस केस में आपको स्पॉन्सर कोई और इंस्टीट्यूट करता है आप पी एच डी यहाँ पर करते हैं नाउ लास्ट डेट है ट्वेंटी अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी टू एक्सटर्नल एंड पार्ट टाइम अप्लीकेंस आप अप्लाई कर सकते हैं अभी भी एंड इनफैक्ट आप शुरू आउट ईयर प्रोग्राम में पी प्रोग्राम में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं सो लास्ट डेट ट्वेंटी अप्रैल है एलिजिबिलिटी क्या है सो जनरल क्राइटेरिया में डायरेक्ट पी भी अवेलेबल है सो बी बी टेक एम ई एम टेक एम ई एम एस सी एम सी एम फार्म एम बी एस सी एम डी एम एस इंटीग्रेटेड बी एस एम एस एक्सेट्रा कोई भी कोर्स किया है साथ में और भी क्वालिटीज़ हैं और और भी क्वालिफिकेशन है क्राइटेरियाज़ हैं जो फुलफ़िल करते हैं तो आप कर सकते हैं अप्लाई किस किस डिपार्टमेंट में सो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग दैन केमिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग सी एस सी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एम एम ई है देन केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स एंड एच एस एस ये आपके डिपार्टमेंट से एरियाज अभी हम देख लेंगे अगर मैंशन किया गया होगा ना आईआईटी आई आई टी है क्या ऑफ़र करते हैं वो आप देख लीजिए और बाकी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं सो देन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं जो भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं देन फॉर्म्स का फॉर्मेट है एंड ये yes, तो अब हम वन बाई वन ओपन करते हैं देखिए हम ब्रोशर ओपन करेंगे उससे पहले वन बाई वन ये जो ऑप्शन है जैसे रेगुलर एक्सटर्नल डायरेक्ट पार्ट टाइम इसे ओपन करते हैं बिकॉज देखिए तो है। है रेगुलर में यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर यू विल सी की रिसर्च एरियाज़ मेन्शन है देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अगर आपको अप्लाई करना है पी रेगुलर में सपोज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको क्लिक हियर टू तो अप्लाई का इसी तरह आपको जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है उसका सेपरेट ऑप्शन गिवन है सो आप उसी के थ्रू करेंगे अप्लाई करेक्ट सो दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट था शो करना आपको नाउ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग रिसर्च एरियाज़ कौन कौन से हैं स्ट्रीम ए में इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स में गे एरियाज हैं स्ट्रीम बी में लाइफ साइंसिस के एरियाज हैं सो आप देख लीजिएगा एरियाज को क्राइटेरिया क्या है सो सिमिलर ही है मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग में या मेडिसिन में या फार्मास्यूटिकल्स में या वेटनरी या डेंटल में मिनिमम सिक्सटी या सिक्स ग्रेड पॉइंट्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं या फिर अगर आपने एम किया हुआ है या एम किया है ठीक है सो उस केस में गेट रिक्वायर्ड है बट अगर इनमें से फर्स्ट नंबर पर जो भी क्वालिफिकेशन है ये फुलफिल करते हैं आप ये हैं तो उसमें गेट रिक्वायर्ड नहीं है करेक्ट सो वैलिड गेट स्कोर या क्वालिफिकेशन हो आपकी नेट इंस्पायर फेलोशिप एक्सेट्रा में और साथ में एमएससी वगैरह किया है 60 परसेंट मार्क्स के साथ तो भी आप एलिजिबल हैं थर्ड है बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग में सो बी बीटेक है या बी फार्मा है मिनिमम 65 परसेंट मार्क्स के साथ या सेवन ग्रेड पॉइंट्स के साथ एंड साथ में वैलिड गेट स्कोर भी है ठीक है सो so, उस केस में आप एलिजिबल हैं एंड अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री आई की है एट ग्रेड पॉइंट्स के साथ तो उस केस में विदाउट गेट भी यू कैन अप्लाई नेक्स्ट फोर्थ एम बी बी एस बी बी एस सी बी डी एस किया है इनमें से कुछ भी सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स या सेवन ग्रेड पॉइंट के साथ तो आप एलिजिबल हैं आप भी कर सकते हैं अप्लाई क्लिक क्लिकर टू अप्लाई पर क्लिक करके येस यू कैन अप्लाई नाउ केमिकल इंजीनियरिंग रिसर्च एरियाज यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट गिवन है क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सिमिलर है मास्टर्स डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग या फिर किसी और इट right ब्रांच में हो केमिकल इंजीनियरिंग के 6.5 पॉइंट फाइव सी जी परसेंट मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं एंड यस एस सी के लिए सभी जगह पे जो रिलैक्सेशन होता है वो है या फिर अगर एम किया हुआ है इस एट या उससे ज़्यादा सी के साथ साथ में वैलिड गेट है या यू जी सी नेट डी एस इंस्पायर या पी या कोई और फेलोशिप है तो आप एलिजिबल हैं नेक्स्ट डायरेक्ट के लिए जो भी इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस है उसे आप फॉलो करेंगे सो पी डायरेक्ट का ऑप्शन सेपरेट दिया है देन सभी मोड के लिए एडमिशन सो so, एडिशनल रिक्वायरमेंट भी हो सकता है एक्सटर्नली फंडेड पी एच डी प्रोजेक्ट्स के लिए सच एज गेट क्वालिफिकेशन ठीक है एंड देन तो बेसिकली पूरा रूल आउट नहीं किया गया है नेक्स्ट एलाइड एरियाज क्या क्या हैं जिसके लिए आपकी स्क्रीनिंग हो सकती है एंड एडवर्टीजमेंट में नहीं है सो so उसमें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री है किसमें सो केमिकल पॉलीमर बायो पॉलीमर फूड एक्सेट्रा सो एक बार आप इसे भी देख लीजिएगा देन अगर आप अप्लाई करना चाहें तो क्लिक क्लिकर टू अप्लाई नाउ सिविल इंजीनियरिंग के एरियाज़ हैं स्ट्रक्चरल एंड इसमें भी सेम है बैचलर्स डिग्री हो सिविल में जिस फॉलोड बाई मास्टर्स डिग्री अप्रोप्रिएट एरिया में साथ में गुड अकेडमिक रिकॉर्ड हो तो आप एलिजिबल हैं स्ट्रक्चरल है हाइड्रोलिक्स है वाटर है दैन जियो टेक्निकल ट्रांसपोर्टेशन इन्वायमेंटल इंजीनियरिंग जियोमेटिक्स दैट्स इट नाउ सी एस सी है, है एरियाज देख लीजिए एंड क्राइटेरिया भी ऑलमोस्ट सिमिलर है तो एक बार आप इसे भी देख लीजिएगा सेम ही है अगर आपके पास एम टेक एम ई एम एस है तो गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है बाकी क्राइटेरियाज़ के लिए येस वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए अनलेस आप सी एफ टी आई से हों देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड उनके एरियाज हैं फिर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग देन सिमिलरली एम एम ईक है नाउ पी एच डी इन साइंसेस सो केमिस्ट्री है मास्टर्स डिग्री या इक्वरेंट डिग्री हो केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री मटीरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल्स बायोटेक फिजिक्स या रिले रिलेवेंट रेलिवेंट एरियाज़ में फिर फर्स्ट लास्ट दैट इज सिक्स ग्रेड पॉइंट्स या 60% परसेंट मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं देन अगर आप इनमें से कोई क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं दैट इज मास्टर्स डिग्री है आपके पास बट साथ में आपको इनमें से कोई और क्राइटेरिया भी फुलफिल करना होगा बी एड गेट क्वालिफिकेशन बी एड सी एस आई आर और यू जी सी नेट या इंस्पायर फेलो या और कोई नेशनल फेलोशिप हो राइट right? उसके बाद अगर आपके पास एम टेक एंड आप साइंसिस में करना चाहते हैं पी एच डी तो उस केस में गेट की क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो है वो आपके लिए नहीं है ठीक है सो एम टेक कैंडिडेट्स आपके लिए गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी फील्ड के लिए मोस्ट प्रोबेबली राइट बट आप देख लीजिए एडिशनल क्राइटेरिया को सेट किया जा सकता है फॉर स्क्रीन स डिग्री right. है, Same 60 marks है. के साथ तो आप एलिजिबल हैं है. है, साथ. तो है. साथ में आपके पास गेट नेट वगैरह की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसमें सिर्फ नेट नहीं चलेगा यहाँ पर नेट जी आर एफ क्लियरली मेन्शन है या फिर एन बी एच एम फेलोशिप हो देन और में एमटेक किया है तो आप एग्जाम हैं गेट के बिना भी यू कैन अप्लाई सिमिलरली फिजिक्स के लिए भी है ना एच एस एस सो इसके एरियाज हम देखेंगे ऑब्वियसली इंग्लिश लिटरेचर है जिसमें हिस्टेरियोग्राफिक फिक्शन मेमोरी स्टडीज साइको एनालिसिस एंड कल्चर है नेक्स्ट इकोनॉमिक्स है देन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट लिंग्विस्टिक्स में साइको लिंग्विस्टिक्स एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक्स है देन मैनेजमेंट है जिसमें कंज्यूमर बिहेवियर डिसीजन मेकिंग वगैरह से रिलेटेड है देन साइकोलॉजी है सो so ये फाइव डिसिप्लिन हैं या सब डिसिप्लिन हैं एच में देन जिसमें स्टार मार्क है उसमें सिर्फ जे आर क्वालिफाइड या वो कैंडिडेट जिनके पास कोई और फेलोशिप है वो अप्लाई करेंगे जिसमें डबल्स एस्ट्रिक्स था उसमें रेगुलर पार्ट टाइम ई आर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं सो डबल एस्ट्रिक्स किस में था मैनेजमेंट में था ओके okay, कंडीशन क्या है सो so सेम है मास्टर्स डिग्री हो फिफ़्टी ओके सो यहाँ पर सिक्सटी का क्राइटेरिया नहीं है अगर फिफ्टी मार्क्स के मास्टर्स डिग्री है इंग्लिश इकोनॉमिक्स लिंग्विस्टिक्स मैनेजमेंट या साइकोलॉजी में तो आप एलिजिबल हैं या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री है से से या किसी और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मार्क्स के साथ इंजीनियरिंग में तो आप एलिजिबल हैं साथ में इनमें से कोई क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो राइट सो क्या क्या है नेट हो गेट हो या फिर इंस्पायर हो या फिर जे आर एफ जिसमें जे आर एफ होना चाहिए डायरेक्टली अगर आपने आई आई टीस से बैचलर्स किया है डायरेक्ट पी एच डी करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं एट सी जी पी अगर तो आप गेट से एक्टेड हैं ओके okay. एक बार आप इसे खुद से भी पढ़ लीजिएगा अगर अभी आपको कुछ भी इशू हुए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट है पीएचडी एक्सटर्नल तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं कि अगर आप ईआरपी में अप्लाई करना चाहते हैं उस केस में आप कैरी आउट करेंगे अपना मेजर पोर्शन ऑफ रिसर्च वर्क अपनी इंडस्ट्री में या लैब में एंड आपको स्पॉन्सर भी करेगा इंडस्ट्री ठीक है तो, तो इसे भी एक बार आप देख लीजिएगा स्पेसिफिकली कोई और कंडीशन नहीं है मेन है कि आप कहीं और लैब वगैरह में एम्प्लॉयड हो रिसर्च कर रहे हो यहाँ पे आप अप्लाई किसके सब्जेक्ट में डिपार्टमेंट में कर सकते हैं सो सिविल केमिकल सी एस सी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बायोमेडिकल एंड एम साइंस में भी सब है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड एच भी है देन आप रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा गेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है प्रोफेशनल ऑब्वियसली टू ईयर्स का होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट आपका एंड देन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होना चाहिए स्टेटस वो लिखा है एन रिक्वायर्ड होगी देन अप्लाई करना होगा सो क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे आप कैसे अप्लाई करना है वो आप हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करके देख सकते हैं नाउ नेक्स्ट इज़ पी एच डी डायरेक्ट सो इसमें आप डायरेक्टली बैचलर्स के बाद कर सकते हैं पी एच डी येस ह्यूमानिटीज़ में भी कर सकते हैं एंड सारे ही सब्जेक्ट्स हैं बट मैथ्स के लिए सिर्फ जो सी एफ टी आई से हैं वही कर सकते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या हैं तो सी एफ टी आईस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेम ही है जो रेगुलर पीएचडी के लिए है फाइनल ईयर में है तो भी आप एलिजिबल हैं गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड सी जी एटलीस्ट एट होना चाहिए जो सी से नहीं है उनके लिए बाकी एरिया वगैरह सेम रहेगा फाइनल ईयर में है तो भी आप फाइनल ईयर में ही हैं तभी तो आप अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली नेक्स्ट है गेट रिक्वायरमेंट येस है गेट आपके पास होना चाहिए एंड सी एटलीस्ट एट होना चाहिए बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं एंड अप्लाई करना होगा तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं नाउ पीएचडी पार्ट टाइम की क्या कंडीशंस हैं सो पी एच पार्ट टाइम के लिए भी सेम है एम्प्लॉयड होना चाहिए आपको किसी रेपूटेड यूनिवर्सिटी में एंड कोर्स अटेंड करने के लीव की रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं एंड सब्जेक्ट सारे अवेलेबल हैं गेट के रिक्वायरमेंट है कि नहीं है सो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर दीज कैंडिडेट्स इज द सेम फॉर फुल टाइम कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दैट रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम सो गेट के रिक्वायरमेंट नहीं है वेबड ऑफ है बाकी कंडीशन जो मार्क्स वगैरह हैं वो सेम है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस टू ईयर्स का होना चाहिए एन ओ सी येस आपको सबमिट करनी होगी एंड येस दे आप अप्लाई कर सकते हैं उससे पहले हाउ टू अप्लाई देख सकते हैं देन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अगर आप इंटरनेशनल हैं तो इसे चेक कर लीजिएगा प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में सेवंथ कैटेगरी यहाँ पे क्राइटेरिया है मिनिमम 6.5 या 60 परसेंट आपके मार्क्स पीजी में होने चाहिए अपने मास्टर्स डिग्री में देन एटलीस्ट सिक्स मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोजेक्ट वर्क में आई आईटी रोपर में then लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लगेगा पी आई सो अगर आप प्रोजेक्ट वर्क में ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट कर रहे हैं सो उनके जो पी आई हैं उनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लगेगा दैन पब्लिकेशन ऑब्वियसली अगर है तो वो भी आप शो करेंगे बैचलर्स डिग्री के लिए आई I मीन mean, अगर आप डायरेक्टली करना चाह रहे हो बैचलर्स डिग्री आपके पास हो तो एट सी जी पे या सेवेंटी फाइव परसेंट मार्क्स क्यू जी में होना चाहिए गेट स्कोर भी होना चाहिए दैन सिक्स मंथस का एक्सपीरियंस हो पी आई का लेटर लगेगा एंड पब्लिकेशन अगर है तो वो ऑब्वियसलीटर वेटेज आप में इंक्रीज़ होगा ठीक है सो चांसेज़ आपके बढ़ जाएंगे देन डायरेक्टली आप शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे हाउ एवर आपके लिए रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जा सकता है सो so ये सारी इन्फॉर्मेशन बाद में मिलेगी एंड बाकी इन पॉइंट्स को भी पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट टाइम पीएचडी अगर आप आई टी रोपड़ के स्टाफ मेंबर है तो उस केस में आप एट पॉइंट को देख लीजिएगा कर अप्लाई करना चाहते हो अगर लास्ट है हाउ टू अप्लाई सो एक बार हम इसे देख ही लेते हैं जनरल क्राइटेरिया है सो गेट अ लॉग इन इज योर फर्स्ट स्टेप राइट आप अपना लॉग इन क्रिएट करेंगे आप पोर्टल पर विजिट करेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में है रजिस्टर वगैरह कर लीजिएगा न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे देन पासवर्ड सेट करने के बाद आपको ई अलर्ट्स मिलेंगे तो स्पैम में चेक कर लीजिएगा कि ये जो मेल है वो स्पैम में ना हो राइट right? एंड बाकी आप प्राइवेट मोड से अप्लाई मत करिएगा यही कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं एंड देन ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आई मीन सॉरी डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने होंगे उसका यहाँ पे नेम लिखा हुआ है सो so आप रिनेम कर लीजिएगा फर्स्ट नेम आपका रहेगा देन आपका जो मोबाइल नंबर आप एंटर किया है आपने उसके लास्ट फाइव डिजिट्स आपके रहेंगे ठीक है एंड डॉट पीडीएफ राइट सो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सारे डॉक्यूमेंट जो भी होंगे वो अपलोड करने होंगे सो so ध्यान रखिएगा इस बात का एंड देन कोई भी स्टिल कोई क्वेरी है टेक्निकल इशू है सो so आप इनफो एट द रेट आई आई टी आर पी आर डॉट ए सी डॉट इन पे मेल कर लीजिएगा एप्लीकेशन फी पीएचडी के लिए सॉरी टू हंड्रेड रुपीज ओबीसी के लिए एंड हंड्रेड रुपीज है सभी विमेंस के लिए एंड साथ में एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए एंड एमटेक के भी फॉर्म्स क्योंकि एक्टिव है तो एमटेक का फीस भी यहाँ पे मैंशन है फाइव हंड्रेड फॉर जनरल ओबीसी डब्ल्यू एस एंड टू फिफ्टी फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फी पेमेंट का मोड एस बी कलेक्ट है सो तो ऑनलाइन एस बी आई पे विजिट करके एस बी कलेक्ट सेलेक्ट करके टर्म्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिएगा उसके बाद सेलेक्ट करेंगे आप स्टेट पंजाब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आई आई टी रोपर एंड देन पेमेंट कैटेगरी सेलेक्ट करके आप पे कर सकते हैं फी को राइट सो तो ये था हाउ टू अप्लाई नाउ हमने सारे ऑप्शनस को देख लिया है अब हम ओपन करते हैं एडमिशन ब्रोशर को उसमें काफ़ी चीज़ें रिपीट हैं सो उन्हें हम स्किप करके जो इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे तो चलिए ओपन करते हैं एडमिशन ब्रोशर को सो so येस yes, ये एडमिशन ब्रोशर आई आई टी रोपर इन्फॉमेशन ब्रोशर पी एच डी एडमिशन सबसे पहले इंस्टीट्यूट के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉमेशन दी हुई हैं सो so इन सभी इन्फॉमेशन को आप देख लीजिएगा अगर आपको पता ना हो बाकी हम स्किप करेंगे सो जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू एडमिशन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ट्वेंटी अप्रैल 2022 ट्वेंटी बीस अप्रैल लास्ट डेट है गाइडलाइंस देख लीजिएगा प्रिंट आउट रख लीजिएगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म का या फिर एटलीस्ट सेव कर लीजिएगा आपको अभी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है एप्लीकेशन फीस इज रुपीज़ हंड्रेड फॉर वेमेन कैंडिडेट्स एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी एंड वहां की सबके लडीज टू हंड्रेड ये यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है कैसे कैसे आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल है डेट क्या होगी रिटर्न टेस्ट अगर हुआ तो उसकी या इंटरव्यू की वो आपको बता दिया जाएगा ई मेल के थ्रू तो जो शॉट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को पता चलेगा का कि कबर राइट देन आप एक से ज्यादा डिपार्टमेंट के लिए ये yes, अप्लाई कर सकते हैं बट आपको एप्लीकेशन फीस सेपरेटली पे करनी होगी एंड ओ वगैरह के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके थर्टी मार्च ट्वेंटी के बाद इशू हुए हों न्यू सेशन के लिए या न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए वो आपको अपलोड भी करना है एंड बाद में सबमिट भी करना होगा इंटरव्यू के टाइम पे एंड देन यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन है उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर है सो so जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करते होंगे वो लाइक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उन्हें टेस्ट एंड इंटरव्यू या सिर्फ इंटरव्यू के लिए राइट right? उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर सो इंटरव्यूज होंगे देन आपका सिलेक्शन अगर होता है तो आपको लेना होगा एडमिशन ऑब्वियसली सिंपल सा प्रोसेसर रिटर्न इंटरव्यू एंड सिलेक्शन बट सिंपल येट वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड ऑब्वियसली एट डिफिकल्ट एज वेल देन रिजर्वेशन ऑफ सीट से रिलेटेड इन कैटेगरी सो हमने इन डिटेल डिस्कस किया है सभी पॉइंट्स को तो हम इसे स्किप करेंगे राइट right? बट बहुत ही बेसिक बातें करेंगे जो यहाँ स्पेसिफाई की गई हैं जैसे रेगुलर फुल टाइम स्कॉलर्स दो टाइप के होंगे ओके okay, दो नहीं आई थिंक दो से ज़्यादा हैं वेट ए बी सी डी ओ के फोर टाइप्स के रेगुलर स्कॉलर्स होंगे फर्स्ट होंगे वो जिन्हें की इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी इंस्टीट्यूट स्कॉलर सेकेंड होंगे गवर्नमेंट या सभी गवर्नमेंट फेलोशिपिप अवार्डीज जो कि किसी और इंस्टीट्यूट uh, टूशन से एजेंसी से उन्हें फेलोशिप मिलेगी थर्ड हैं वो कैटेगरी जो रेगुलर होंगे वो प्रोजेक्ट्स या स्कीम्स के अंडर रिसर्च फेलोज होंगे रिसर्च करेंगे किसी प्रोजेक्ट में स्पेसिफिकली देन डायरेक्ट पी प्रोग्राम येस आप अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिएगा एंड आप भी होंगे रेगुलर पी में एनरोल नेक्स्ट ई है सो तो हमने डिस्कस किया है एंड बाकी यहाँ पर फिर से जो क्वालिफिकेशनस वगैरह हैं वो यहाँ पर भी लिखी हुई हैं तो एक बार आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी इज़ पार्ट टाइम पी प्रोग्राम

आप मतलब अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी होगी एक्सेट्रा ये रूल्स हैं ये बाकी पॉइंट्स को भी देख लीजिएगा एरियाज क्या है हमने येस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इसे भी सिमिलर ही है जो हमने रेगुलर का देखा था ये वही टेबल है राइट right? सो so, हम ऑब्वियसली स्क्रॉल करेंगे इसको भी सो so वेट यस नाउ डिटेल्स ऑफ सेमेस्टर फीस सेमेस्टर फी कितनी होगी यहाँ पे लिखा हुआ है तो देखिए एक बार आप इसे अलग अलग चेक कर लीजिएगा ओवरऑल फीस इज़ फोर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड राइट एंड हर सेम कितना लगेगा वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको मेथ्स वगैरह की फ़ीस सेपरेट है देन रजिस्ट्रेशन फॉर पी एच डी डिग्री सो जो भी आप इंस्टीट्यूट फी को सबमिट करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड नाउ लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पर सेक्शन है ई मेल आई डी दिख रही है नंबर है उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं तो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक कोई जेनुइन इंपॉर्टेंट आपकी क्वेरी है सो so आप स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर भी है एंड ईमेल आईडी भी यहाँ पे गिवन है सो यस दैट इज़ इट फॉर टुडे ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन राइट ये थी इनफैक्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन आई आई टी रूपर्ट पी एच डी से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना सो यस गो फॉर इट अप्लाई कर सकते हैं आप एंड रिगार्डिंग यू नो अनदर इशू जो आप कमेंट में पूछ रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन तो देखिए मैक्सिमम केसेस में अभी ऑफलाइन ही होंगे सारे एडमिशन प्रोसेस सभी यूनिवर्सिटीज़ के बट कुछ जगह अभी भी ऑनलाइन हो रहे हैं सो आई आई में भी कुछ जगह पे सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आई थिंक इंटरव्यू है सो so, ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है अगर स्पेसिफाई नहीं की गई है तो वो आपको ई के थ्रू ही पता चलेगी एज ऑफ नाउ सर्टेनली कोई भी नहीं कह सकता जैसे आई आई रोपड़ में आपने देखा कहीं भी नहीं लिखा कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा सो so, ई के थ्रू आपको पता चल जाएगा एंड दैट इज इट ये था आज का अच्छा वीडियो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा दैट इज़ इट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग